दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 2005 से 2023 के दरमियान कितने बॉलीवुड अदाकारों की डेथ हुई और किस वजह से हुई? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन तमाम एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमरीश पुरी की पैदाइश 22 जून 1932 को हुई और इन्होंने 1970 में शोबिज़ को ज्वाइन किया और इनकी डेथ 12 जनवरी 2005 को ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र थी 72 साल। सुनील दत्त 6 जून 1929 को पैदा हुए और 1955 को एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और 25 मई 2005 में अचानक हार्ट अटैक के बाइस दुनिया से चल बसे और इस टाइम इनकी उम्र थी 76 साल। प्रवीण बाबी 14 अप्रैल 1954 को पैदा हुई और 1973 से एक्टिंग का आगाज किया और डायबिटीज जैसी बीमारी से लड़ते हुए 20 जनवरी 2005 को इस दुनिया से चल बसी और इस वक्त इनकी उम्र थी 51 साल। फिरोज खान 25 सितंबर 1939 को पैदा हुए और 1960 से एक्टिंग स्टार्ट की और फिर 27 अप्रैल 2009 में कैंसर की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए और इस वक्त इनकी उम्र थी 69 साल। मैकमोहन 24 अप्रैल 1938 को पैदा हुए और 1975 से एक्टिंग का आगाज किया और फिर कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते हुए 7 मई 2010 को चल बसे और इस वक्त इनकी उम्र थी 72 साल। निर्मल पांडे 10 अगस्त 1962 को पैदा हुए और इन्होंने 1994 में एक्टिंग का आगाज किया और फिर हार्ट अटैक जैसी बीमारी से लड़ते हुए 28 फरवरी 2010 में इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी सिर्फ 47 साल। रामी रेड्डी 1 जनवरी 1959 को पैदा हुए और 1990 को फिल्मी दुनिया में कदम रखा और फिर लीवर और किडनी फेल होने के बाद 14 अप्रैल 2011 में इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 52 साल। जिया खान 20 जनवरी 1988 को पैदा हुई और 2010 में इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी और फिर 3 जून 2013 में इन्होंने सुसाइड कर लिया और इस वक्त इनकी उम्र थी सिर्फ 25 साल। श्रीदेवी 13 अगस्त 1963 को पैदा हुई और इन्होंने 1979 को फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और इनकी डेथ 24 फरवरी 2018 को एक्सीडेंटल बाथटब में डूबने की वजह से हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र थी सिर्फ 54 साल। टॉम अल्टर 22 जून 1950 को पैदा हुए और 1976 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर कैंसर की वजह से 29 सितंबर 2017 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 67 साल। इंदर कुमार 26 अगस्त 1973 को पैदा हुए और 1996 से एक्टिंग से जुड़े हुए थे और अचानक हार्ट अटैक की सूरत में 28 जुलाई 2017 में इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 44 साल। रीमा लागो 21 जून 1958 को पैदा हुई और 1979 से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी और फिर अचानक हार्ट अटैक की वजह से 18 मई 2017 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 58 साल। बॉब क्रिस्टो 8 मई 1938 को पैदा हुए और 1987 को बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर 20 मई 2011 को हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 73 साल। विनोद खन्ना 6 अक्टूबर 1946 को पैदा हुए और 1968 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर ब्लड कैंसर की वजह से 27 अप्रैल 2017 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 70 साल। सईद जाफरी 8 जनवरी 1929 को पैदा हुए और 1977 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर ब्रेन हेमरेज की वजह से 15 नवंबर 2015 में इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 86 साल। जसपाल भाटी 3 मार्च 1955 को पैदा हुए और 1999 से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और एक रोड एक्सीडेंट की वजह से 25 अक्टूबर 2012 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 57 साल। परम 22 फरवरी 1920 को पैदा हुए थे और फिर 1940 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और एक लंबी बीमारी के 22 जुलाई 2013 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 93 साल। कादिर खान 22 अक्टूबर 1937 को पैदा हुए थे और ये 1973 से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने हुए थे और फिर 31 दिसंबर 2018 को इनकी डेथ हो गई और ये काफ़ी टाइम से बीमार थे और इनकी मरते वक्त उम्र थी 81 साल। ओम पुरी 18 अक्टूबर 1950 को पैदा हुए और 1976 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर हार्ट अटैक की वजह से 6 जनवरी 2017 को इनकी डेथ हो गई और उस वक्त उनकी उम्र थी 66 साल। रजाक खान 28 मार्च 1951 को पैदा हुए और 1993 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर हार्ट अटैक की वजह से 1 जून 2016 में इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 65 साल।
देवन वर्मा, देवन वर्मा 23 अक्टूबर 1937 को पैदा हुए और 1961 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर हार्ट अटैक की वजह से 2 दिसंबर 2014 में इनकी डेथ हो गई और इस वक्त उनकी उम्र थी 77 साल। शामी कपूर, शामी कपूर 21 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए और 1953 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर किडनी फेल होने की वजह से 14 अगस्त 2011 में इनकी डेथ हो गई और इस वक्त उनकी उम्र थी 79 साल। राजेश विवेक, राजेश विवेक 31 जनवरी 1949 को पैदा हुए और 1978 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और हार्ट अटैक की वजह से 14 जनवरी 2016 को इनकी डेथ हो गई और उस वक्त उनकी उम्र थी 66 साल। गोविंद, गोविंद 9 जून 1964 को पैदा हुए और 1988 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से 18 मई 2012 में इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 48 साल। सुरेश चतवाल, सुरेश चतवाल 5 मई 1954 को पैदा हुए और फिर 1969 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और लिवर की बीमारी की वजह से 28 मई 2016 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 62 साल। सदाशिव अमर पुकार, सदाशिव अमर पुकार 11 मई 1950 को पैदा हुए और 1997 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर फेफड़ों की बीमारी की वजह से 3 नवंबर 2014 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 64 साल। गोगा कपूर, गोगा कपूर 15 दिसंबर 1940 को पैदा हुए और फिर 1973 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और एक लंबी बीमारी की वजह से 3 मार्च 2011 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 70 साल। राजेश खन्ना, राजेश खन्ना 29 दिसंबर 1942 को पैदा हुए और 1966 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर कैंसर की वजह से 18 जुलाई 2012 में इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 69 साल। सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत 21 जनवरी 1986 को पैदा हुए और फिर 2013 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने थे और 14 जून 2020 को इन्होंने सुसाइड कर लिया था और इस वक्त इनकी उम्र थी सिर्फ 34 साल। ऋषि कपूर, ऋषि कपूर 4 सितंबर 1952 को पैदा हुए और 1973 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर कैंसर की वजह से 30 अप्रैल 2020 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 67 साल। दिलीप कुमार, दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को पैदा हुए और 1944 को बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा बने और एक लंबी बीमारी की वजह से 7 जुलाई 2021 को इनकी डेथ हो गई थी और इस वक्त इनकी उम्र थी 98 साल। विक्रमजीत, विक्रमजीत 29 अगस्त 1968 को पैदा हुए और कोविड-19 की वजह से 1 मई 2021 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 52 साल। शशि कपूर, शशि कपूर 18 मार्च 1938 को पैदा हुए और 1961 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर लीवर की बीमारी की वजह से 4 दिसंबर 2017 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 79 साल। इरफान खान, इरफान खान 7 जनवरी 1967 को पैदा हुए और 1988 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर ट्यूमर की वजह से 29 अप्रैल 2020 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 53 साल। राजीव कपूर, राजीव कपूर 25 अगस्त 1962 को पैदा हुए और 1983 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर हार्ट अटैक की वजह से 9 फरवरी 2021 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 58 साल। सिद्धार्थ शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला 12 दिसंबर 1980 को पैदा हुए और फिर हार्ट अटैक की वजह से 2 सितंबर 2021 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी सिर्फ 40 साल। सुरेखा सिकरी, सुरेखा 19 अप्रैल 1945 को पैदा हुई और फिर 16 जुलाई 2021 को हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 76 साल। अनुपम श्याम, अनुपम श्याम 20 सितंबर 1957 को पैदा हुए और फिर 1995 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और 8 अगस्त 2021 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 63 साल। सतीश कौशिक, सतीश 13 अप्रैल 1956 को पैदा हुए और फिर 1983 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और हार्ट अटैक की वजह से 9 मार्च 2023 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 66 साल। राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव 25 दिसंबर 1963 को पैदा हुए और हार्ट अटैक की वजह से 21 सितंबर 2022 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 58 साल। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को पैदा हुई और फिर बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स के फेलियर की वजह से 6 फरवरी 2022 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 92 साल। पुनीत राजकुमार, पुनीत राजकुमार 17 मार्च 1975 को पैदा हुए और फिर 2002 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और हार्ट अटैक की वजह से 29 अक्टूबर 2021 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 46 साल। गिरीश कर्नाद, गिरीश 19 मई 1938 को पैदा हुए और 1970 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने। लीवर और किडनी की बीमारी के बाद 10 जून 2019 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 81 साल। बप्पी लहरी,
बप्पी लहरी 27 नवंबर 1952 को पैदा हुए और 1976 को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने और फिर 15 फरवरी 2022 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 69 साल। के 23 अगस्त 1963 को पैदा हुए और 1999 को बॉलीवुड का हिस्सा बने और फिर हार्ट अटैक की वजह से 31 मई 2022 को इनकी डेथ हो गई और इस वक्त इनकी उम्र थी 53 साल। सिद्धू मूसेवाला, दोस्तों सिद्धू मूसेवाला 11 जून 1993 को पैदा हुए और फिर 2016 में इन्होंने पंजाबी म्यूजिक में खूब शोहरत कमाई और 29 मई 2022 को गोली मारकर इनका मर्डर कर दिया गया था और इस वक्त इनकी उम्र थी सिर्फ 28 साल। तो दोस्तों ये थे वो तमाम एक्टर जो अब हमारे बीच नहीं रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।